गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने चैनल रिदु ब्लॉग्स में। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना कुर्ती कलेक्शन। और जो कुर्ती है ना वो नई है, अभी अभी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। और मैं कहाँ से लाई हूँ, कितने के लाई हूँ, आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। आप लोगों का टाइम जाया ना करते हुए सबसे पहले मैं कुर्ती कलेक्शन शेयर करती हूँ। और ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन दो चार कुर्तियाँ हैं तो उनको मैं शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अमेजिंग लगी, तभी मैं उनको ले आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, कॉटन की कुर्तियाँ हैं, सिली सिलाई है। और उसके बाद अनसिले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कुर्तियाँ लाई हूँ मैं कनॉट प्लेस से, प्रकृति के शोरूम से। और वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा था 50%, तो मैंने सोचा कि ये वक्त मैं नहीं जाने दूंगी अपने हाथ से, और फटाफट से मैं ले लेती हूँ। मेरे पास कुर्तियाँ थी भी नहीं, मुझे ज़रूरत थी, तो मैं ले आई हूँ और आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। जो मेरी फर्स्ट कुर्ती है वो है कॉटन की कुर्ती, और बहुत पतला कपड़ा है, और इस कलर में है और स्ट्रेट में है। सारी कुर्तियाँ मेरी स्ट्रेट ही है, ये देखिए। और इतना हल्का कपड़ा है, गर्मियों के लिए इतना अच्छा है। और ये यहाँ तक के बाजू हैं, एकदम फुल भी नहीं है और एकदम हाफ भी नहीं है। इस पर जो क्या कढ़ाई बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मेरे दिमाग से निकल गया है। तो ये वाला वर्क हो रखा है बाजू पे, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल रिचनेस आ रही है इस डिजाइन पे। तो गले पे भी ऐसे ही हो रखा है, ये बटन दिए गए हैं। और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पूरी कुर्ती। पूरी कुर्ती नहीं दिख रही है, यहां से देख लीजिए। ये गर्मियों के लिए, सफर के लिए, डेली यूज के लिए इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि मैं क्या बताऊं आपको। और पहन के भी मैं दिखाऊंगी हर वीडियो में, अब आप लोगों को ये कुर्तियां पहन के दिखेंगी आपको। और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताना। अगर आपको शॉप नंबर चाहिए, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा तो नया चैनल है, लेकिन आपको शॉप नंबर चाहिए कनॉट प्लेस में, किस ब्लॉग में है, कहाँ पर है, पूरा एड्रेस चाहिए, तो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी, आप कमेंट करके बताना। ये है इस तरीके का कुर्ती, और लाइट कलर है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट कलर है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड कुर्ती है वो मैं दिखाने वाली हूँ। सेकंड कुर्ती है ये वाली, और इस पे भी सेम उसी धागे का डिजाइन हो रखा है। अभी मेरे दिमाग से एकदम निकला हुआ है कि ये कौन सा डिजाइन है, क्या बोलते हैं, गोटा पत्ती, वाओ याद आ गया, गोटा पत्ती का ये डिजाइन हो रखा है। इसमें ज्यादा चकाचौंध नहीं है, लेकिन एकदम रिचनेस आ रही है और प्रोफेशनल लग रहा है, और ऑफिस के लिए तो बहुत अच्छी कुर्ती है। ये देखिए, आप लोगों को कपड़ा देख के ही पता चल रहा होगा कितना हल्का कपड़ा है। और जो एक कॉटन तो ट्रांसपेरेंट में होता है ना, वो वाला नहीं है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हल्का और अच्छा सा, मतलब दूर से पहन के बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप को रिलैक्स फील महसूस होगा। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है इस कलर में, ये देखिए लाइट कलर है, सब पे गोटा पत्ती का डिजाइन, ये देखिए ये थोड़ा सा अलग है, हटके है। ये इसका गले पे दिख रहा है, कैमरे में इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन ये डिजाइन दिख रहा है। और इसकी जो फिनिशिंग है ना, ये इतना स्ट्रेट और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो स्ट्रेट यहाँ से इतनी फिनिशिंग के साथ ये सिला हुआ है ना, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे लगे मुझे। और आप लोगों को पता होगा कि कनॉट प्लेस जगह तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो कुर्ती है
वो है ये वाली, और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें थोड़ा सा डिजाइन यूनिक है, अच्छा है, और ये गोटा पत्ती का ही काम हो रखा है सारी कुर्तियों पे, और ये धागा दिया हुआ है यहाँ पे, धागा बोल रही हूँ मैं, इस पे गोटा पत्ती का नहीं है, ये सिंपल है। इस तरीके के दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरीके का है, बहुत अच्छा, वाओ पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और ये भी स्ट्रेट है, बारी आती है कि कुर्तियों के साथ लेगिंग या पैंट या सलवार। तो ये कुर्तियां हैं, ये कुर्तियां हैं जो, तो ये लेंथ में थोड़ी सी ज्यादा है, इनके साथ हम पैंट डाल सकते हैं, इनके साथ हम प्लाजो डाल सकते हैं, लेकिन जो इनकी लेंथ है ना वो पैंट पे बहुत परफेक्ट जाएगी और बहुत सुंदर लगेंगी जब हम पैंट पहनेंगे इसके साथ। तो इसके साथ के लिए पैंट ये वाला मैं लाई हूं, और ये है ऑफ वाइट यानी कि क्रीम कलर में, और ये बहुत अच्छे से जा रहा है इसके साथ, और इसके साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है ऑफ वाइट, और इसके साथ भी बहुत बढ़िया से जा रहा है ऑफ वाइट, है ना कितनी अच्छी बात, और इसके साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है। मैंने कुर्तियाँ इस उससे चूज की कि सब कुर्तियों के साथ ये चला जाए। वैसे तो मैं एक आध पैंट और लाऊंगी, लेकिन इनके साथ भी ये पैंट परफेक्टली जा रहा है, ये फुल साइज है। और मेन बात ये है कि जो मुझसे पतले होंगे ना वो भी इसको पहन सकते हैं, और मुझसे जो काफ़ी मोटे होंगे तो वो भी पहन सकते हैं, और वो कैसे पहन सकते हैं, स्ट्रेचबल है, ये देखिए इतना स्ट्रेचबल है ना ये देखिए, मतलब जितने हेल्दी लेडीज इसको पहनेगी उस पर फिट आएगा, कंफर्टेबल होगा, और कॉटन का है एकदम, इतना मुलायम है, अच्छा सा है, लेकिन कुर्तियों से थोड़ा सा मोटा कपड़ा है ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना। और आगे आप लोगों को पता होगा कि पैंट कैसी होती है, आगे से ये वाला ऐसा है, और ये इलास्टिक है पीछे से, इस पर पॉकेट भी दी हुई है फोन ऑन रखने के लिए, एक तरफ ही दी हुई है पॉकेट, तो ये ऐसे है। और ये पैंट है 800 रुपए की, और ये जो कुर्तियां हैं वो है 400 रुपए की, 800 की कुर्तियां थी लेकिन मैं 400 की लाई 50% डिस्काउंट में। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ती ली है वो सिलवाने के लिए ली है, और मुझे शौक चढ़ा हुआ था कि मैं सिलवाऊं कुर्तियों को, और यहाँ यहाँ तक बाजू करवाऊं और मटका वाला गला सिलवाऊं, किसी पे गोल गला सिलवाऊं। तो ये है नेक्स्ट कपड़ा जो कि मैं लाजपत नगर से लाई, शॉप से लाई हूँ, वहाँ पे बहुत महंगा है कपड़ा, बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसे चांदनी चौक जाओ या गांधीनगर जाओ तो वहाँ पे ये वाला थान का जो कपड़ा होता है वो सस्ता मिल जाएगा। तो इसकी भी मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ, ये क्या दिखाऊँ, दिखाई दिया है मैंने, ये खोल के नहीं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो कपड़ा है वो है ये वाला, और ये डेली यूज़ के लिए, ऐसे कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, रिलैक्सेबल रहते हैं, और रियोन कॉटन दो तीन कपड़ा मिक्स है इसमें, और इसमें कॉटन और रियोन मिक्स है, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ये ऐसा है, और 2.25 मीटर मैंने ये कपड़ा कटवाया, 2.25 मीटर है ये। और मैं जाऊंगी अपने उत्तराखंड गांव जाऊंगी तो वहां के लिए मैंने लिए हैं, लेकिन अभी तक सिलाई नहीं है, ये मेरी लापरवाही है। नेक्स्ट जो कपड़ा है वो है ये वाला है, तो 2.25 मीटर मैंने सारे कटवा रखे हैं, लेकिन अलग अलग कपड़े की जो अर्ज होता है कपड़े का, 46, कोई 44, कोई 40 होता है, तो वो अलग अलग लगता है, कोई 2.5 मीटर, कोई 2 मीटर, कोई 1.5 मीटर में ही हो जाता है। ये देखिए इनके लिए सलवार ली है मैंने ऑफ वाइट, ये
और इसको सिलवाऊंगी मैं पंजाबी पटियाला टाइप का जो होता है सलवार। तो इन कुर्तियों को मैं शॉर्ट सिलवाऊंगी। लॉन्ग कुर्तियाँ मेरे पास ऑलरेडी है, ले आई हूँ मैं सिली सिलाई, क्या पता उनकी लेंथ जो है थोड़ी सी कम करवा दूंगी मैं, और इसको मैं सिलवाने वाली हूँ अभी। और एक सूट है मेरे पास, वो मैंने रक्षाबंधन से पहले लिया था, इसको भी मैं सिलवाने वाली हूँ। तो ये है, हम अपने उत्तराखंड जाएंगे, हम मंदिरों में जाएंगे, भगवान जी के दर्शन करने जाएंगे, तो ऐसे सूट भी हमारे पास होने चाहिए और जिनको हम मंदिर में पहन सके। क्योंकि कुर्ती है हमारे यहाँ पे काली चुन्नी सफ़ेद सूट सफ़ेद सलवार ये सब नहीं पहना जाता, सफ़ेद कुर्ता। जब हम अपने मंदिरों में जाएंगे तो ऐसे सूट पहन के जाऊंगी मैं, क्योंकि साड़ी नहीं पहन पाऊंगी और ना मैं साड़ी लेके जाऊंगी, बच्चों के साथ नहीं पहनी जाती है और आदत भी नहीं है, तो इसलिए तो इसको मैं पंजाबी पटियाला जो होता है पंजाबी सूट वो सिलाने वाली हूँ। और शॉर्ट सूट आएगा ये, यहाँ घुटनों तक जो कुर्ता सिलते हैं ये वाला है, और सलवार भी इसी के अंदर है। सलवार ये देखिए, ये प्लेन है सलवार, तो ऐसी सलवार अच्छी लगती है ना, ये जो सलवार है ना, तो ये सलवार अच्छी लगती है पंजाबी पटियाला में, पंजाबी टाइप का सिलाओ जैसे पंजाबी होते हैं ना, तो वो सिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे सूट। और ये कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और सबसे अच्छी आप लोगों को कौन सी कुर्ती लगी, कौन से सूट का कपड़ा लगा वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और इसके साथ ही ये सिंपल चुन्नी है, लेकिन मैं जो राजस्थानी गोटा पत्ती वाली चुन्नी होती है वो लाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, सोचा तो ये है, आगे भगवान की मर्जी, लेकिन सोचा हमने यही है कि जब हम जा रहे हैं अक्टूबर में और बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, एक साल बाद जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम अच्छे से दर्शन करें। तो ये देखिए, ये है चुन्नी और सिंपल है, वैसे भारी भरकम चुन्नी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, सिंपल ही अच्छी लगती है मुझे इस तरीके की है चुन्नी। तो गाइस बस ये थी मेरी कुर्ती कलेक्शन, ये था मेरा कुर्ती कलेक्शन। और बाकी जो डेली वेयर की कुर्तियां हैं, 3-4 कुर्तियां हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको मैं घर में पहनती हूँ, और घर में तो मैं ये टी शर्ट और लोअर डाल के ही रहती हूँ, कुर्तियां ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कभी कभार वीडियो में आप लोगों को दिख जाएंगी। तो चलिए गाइस बस ये थी मेरी कुर्ती कलेक्शन, आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोगों को और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और अगर आप लोगों को कुर्ती पसंद आई है ना, और आपको भी जाना है, आप दिल्ली से हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये पता है उनका, ए ब्लॉक में है, 8 नंबर दुकान है कनॉट प्लेस में, और वहाँ पे जाके ब्लॉक सिस्टम है ना, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक, आपको ए ब्लॉक में जाना है और 8 नंबर दुकान है उनकी। तो चलिए गाइज, अगर आप लोगों को मेरी कुर्ती कलेक्शन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, नए ही होंगे क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, और मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूंगी, उत्तराखंड की वीडियो शेयर करूंगी, और अपना जो डेली रूटीन है वो भी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, आप लोग मेरे से जुड़िए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।